हेलो एवरीबॉडी यार, आई एम राहुल। वेलकम टू फिटनेस व्लॉग। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। एंड सॉरी फॉर दैट, आज मेरा थोड़ा लुक अजीब है, मतलब ऐसा नहीं होता वैसे, पर मैं आपको एक चीज़ बताने आ रहा हूँ। और आज मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम ऋषि है, मेरा नेबरहुड है, तो ये ऋषि है। और आज जो भी मैं आपको फिटनेस के बारे में बताऊँगा वो सब मतलब अपने फ्रेंड के ऊपर बताऊँगा, और आपको उसको डेडिकेट होकर सुनना और करना है। तो आज हम पूरा बात करने वाले हैं मसल एक्टिवेशन के ऊपर, जो टोटल मतलब सिर्फ चेस्ट के बारे में होने वाला, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल, कोई नहीं, मतलब होल चेस्ट के बारे में बात होगा और उसमें एक्टिवेशन आपको बताऊंगा और आप उसे अप्लाई कीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की साइड। और जाने से पहले बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो इन्जॉय करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉमन वर्कआउट। भैया आप अपना वर्कआउट कर सकते हो, जैसे आप कॉमन चीज कॉमन आप वर्कआउट करो। ये इनका कॉमन वर्कआउट है। और अब इसके बाद मैं आपको फील बताऊंगा कि इसमें और मेरे वाले में चेंज क्या आता है। अब मैं इसमें मसल एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा, मसल एक्टिवेट कैसे होती है। भैया आप ऐसे ले जाओ एक बार, तो आपको गौर से देखना है, थोड़ा करना मैं पास मत करो। मैं क्या करूंगा इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में कुछ नहीं करना है मुझे। इनकी बॉडी में सिर्फ मैं ऐसे दो उंगली रखूंगा और इनसे मैं कहूंगा कि अपनी मसल्स को स्क्वीज करें और इनको उस स्क्वीज में 6 रेप निकालने हैं। तो ये मसल्स को स्क्वीज करेंगे तो मेरी उंगली ऐसे क्लोज आएगी। जब मसल स्क्वीज होगी तो मेरी उंगली क्लोज आएगी, और जब मसल एक्सट्रैक्ट करेगी तो मेरी उंगली दूर होगी। तो बस वो चीज़ करनी है मुझे। और उसके बाद मैं एक टिप और बताऊंगा, तो उस पर अप्लाई करेंगे। अभी पास से करना होगा छोटू जो भी है। अभी मैंने ये दो उंगली रखी इनके पास, ये स्टार्ट, ये मसल एक्सपेंड हो रही है। नाउ स्क्वीज, फिर से अगेन, फिर से मेरी उंगली को क्लोज कर दो, जितना क्लोज हो पाए। कम ऑन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। तो अपने फ्रेंड से ही पूछाता हूँ कि जो उन्होंने पहले वर्कआउट किया था उसमें क्या चेंज आया, और जो मैंने अभी भैया को बताया है अपने फ्रेंड से जो करवाया है अभी, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो उसमें और पहले वाले में क्या चेंज है, दोनों के बीच में क्या मसल माइंड का कनेक्शन फॉलो होता है, तो उसके बारे में बात। हेलो एवरीवन, जैसे कि भैया ने बताया था उसमें पहले नॉर्मली जो कर रहा था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इनके बताने के बाद जो स्क्वीज करते समय जो दो उंगली उन्होंने रखी थी वो जो क्लोज आ रही थी वो इफेक्टिव है। क्या जो स्क्वीज करो तो आपके दोनों चेस्ट के जो साइड है वो एक पास है, हाँ वो, और जो आप जब स्क्वीज नहीं करोगे तो वो दूर जाए। सो गाइस, यही है मसल एक्टिवेशन के बारे में। और एक कॉमन चीज़ है, जब आप अपनी बॉडी को पंप कर लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो, तो बॉडी को अपनी पोजीशन बनाया करो। उससे क्या होता है कि मसल हमारी पंप रहती है। अगर वर्कआउट करने वाला उसको स्क्वीज पोजीशन में नहीं दोगे, मतलब आप उसको पंप दिया करो। अगर आपने जैसे चेस्ट किया है तो आप उसे अपनी पोजीशन में ऐसे टाइट रखो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका टाइम है, 30 सेकेंड्स, तो आप उसको दो, ताकि उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपको ना उसमें जब आप ऐसे स्क्वीज करोगे तो मसल आपकी वैसे एक्टिवेट होती है और वैसे ही फ्लो बनता है बॉडी का और उस शेप पे आती है बॉडी। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट कर लिया, चेस्ट मार लिया और रिलैक्स हो गए। अगर वर्कआउट कर लिया, पंप आ गया, पूरे सेट्स कंप्लीट हुए, तो आपको अपनी बॉडी को ऐसे पोज देना ज़रूरी है। पोजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब हम बॉडी बनाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक मसल एक्टिवेशन और है, अगर मेरी वीडियो ये वाली आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दूसरा वाला चाहिए तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा उसमें। और जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।